बसमानरिम आज जो हमारा टॉपिक है वो हम मियोसिस वन को डिटेल में पढ़ेंगे और मियोसिस वन उसका जो सबसे पहले इंटरफेज हमने कल डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में अभी हमने प्रोफेज वन को पढ़ना है या प्रोफेज वन स्टार्ट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेजन है ये सबसे लेंथियस्ट फेज है यानी मियोसिस वन के अंदर जो सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो लगेगा भी पे लगेगा ठीक है और जो वन है इसमें इसमें क्या होगा कि जिस तरह नॉर्मल होता था वहां पे और में दोनों में फर्क है माइटोसिस के प्रोफेज और इसके प्रोफेज में क्या फर्क है ये भी आपने समझना है ठीक है सबसे पहले एक तो नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल है नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारे पास में बना लेता हूँ ये जेनेटिक मटेरियल है ये लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है जिस तरह हमने माइटोसिस के प्रोफेज में पढ़ा था इसमें भी प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है थ्रेड लाइक फॉर्म की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है जिसे क्या कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं तो ड्यूरिंग द दिस स्टेज द क्रोमेटिन नॉर्मल जो क्रोमेटिन है ये क्या होता है कंडेंस होता है क्रोमेटिन कंडेंस होगा और किस फॉर्म में जाएगा क्रोमोसोम की फॉर्म ये हमारे पास जो एक क्रोमेटिन है ये क्या होगा कंडेंस होगा और ये किस फॉर्म में चला जाएगा क्रोमोसोम की फॉर्म में इस तरह करके एक स्ट्रक्चर बन जाएगा क्रोमोसोम और हर क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटेड होंगे दो क्रोमेटेड होंगे और क्यों दो क्रोमेटेड होंगे क्योंकि इससे पहले इंटरफेज हो चुका है इससे पहले क्या हो चुका है इंटरफेस हो चुका है और एक क्रोमेटेड

फिर क्या कह रहा synapsis में क्या होता है जितने भी क्रोमोसोम जो pairs होते हैं, वो एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाते हैं यानी क्रोमोसोम 1 के सामने क्या आ जाएगा क्रोमोसोम 1 आ जाएगा ठीक है अब ये होमोलोगस पेयर का मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम बिल्कुल सेम है एक जैसे हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या चीज है जो जीन का कॉम्बिनेशन है सेम है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो जीन है क्रोमोसोम का वही क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है इस क्रोमोसोम में भी होगा और ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी है यानी ये जो जीन है ना ये जीन ये गौर से सुनना है आपने ये जो जीन है यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये अगर आई कलर का जीन है तो ये भी क्या है आई कलर का जीन है ठीक है आई कलर का जीन का लेकिन ये जो जीन है आपस में ये जीन और ये जो जीन है ये एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन से या ये डुप्लीकेशन से हुआ है बल्कि क्या आप ये समझने कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी बिल्कुल सेम कोडिंग इसकी भी होगी ठीक है लेकिन यहाँ पे जो आई कलर का जीन है और यहाँ पे जो आई कलर का जीन है उनके जीन तो सेम है लेकिन उनका सीक्वेंस क्या चेंज भी हो सकता है अगर ये ब्राउन कलर के लिए है है तो ये जो ब्लैक कलर के, के लिए हो सकता है एक तो आपको मैंने क्या बताया क्रोमोसोम क्रोमोसोम जब कंडेंस हो गए तो फिर हमारे पास फर्स्ट फेज जो है साइन होगा फर्स्ट फेज को हम क्या कहेंगे साइनेप्सिस और मैं अभी आपको ये सारा समझाता हूँ साइनैप्सिस के बाद क्या होगा बायो क्या बात करूंगा मैं बायवेलेंट आपने समझना है या बीवेलेंट बायवेलेंट अच्छा इसके बाद जो बायवेलेंट है इसके बाद आपने बताना है क्या है ठीक है क्या है और टेट्रेड के बाद आपने बताना है कि क्याज मेटा ठीक है ये सारी चीजें मैं भी आपको वन बाय वन करके समझाता हूं क्याज मेटा के बाद आपने बतानी है क्रॉसिंग ओवर और ये जब हम डिस्कस कर लेते हैं इससे आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो फिर आगे हम इसके बाद डिस्कस करते हैं क्रॉसिंग ओवर ठीक है तो सबसे पहले बच्चों क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल कंडेंस हुआ और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया और हर क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटेड हैं और जितने भी जो क्रोमोसोम हैं जो होमोलोगस पेयर हैं वो एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाते हैं इस तरह करके क्या हो जाते हैं अलाइनमेंट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं साइनेप्सिस कहते हैं जिसको हम क्या कहेंगे साइनेपसिस साइनेप्सिस में यानी क्रोमोसोम वन के सामने वन आ जाएगा टू के सामने टू आ जाएगा

तो द होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप के बाद जैसे सिनेप्सिस कहा गया सिनेप्सिस के बाद ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट यानी जो क्रोमोसोम का पेयर है इसको हम क्या कहते हैं बायोलेंट यूनी बाय बाय बाई

फिर उसके बाद अभी आपने नॉन सिस्टर क्रोमेटेड को समझना है नॉन सिस्टर क्रोमेटेड क्या है देखें बच्चो कि ये हमारे पास जो एक क्रोमोसोम है इसके अगर दो क्रोमेटेड हैं ये एक क्रोमेटेड ये मैं एक क्रोमेटेड बना रहा हूं ठीक है इसके बाद ये जो क्रोमेटेड है ये कौन सा बन गया दूसरा क्रोमेटेड अब ये जो आपस में एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमेटेड ये आपस में सिस्टर है बहने ठीक है और ये जो दूसरा हमारे पास क्रोमोसोम है जिसके दो हैं ठीक है? है और एक ये बन गया ठीक है इसको हम क्या कहेंगे ये, जो दो ये वाले जो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है सिस्टर कौन से ये वाले सिस्टर कौन से हैं जो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है और नॉन सिस्टर क्या है जो डिफरेंट से तो Homologous chromosome. Homologous chromosome तो क्योंकि उनके जीन डिफरेंट होते हैं वन पे जो इस जगह पे जो जीन है सेम दूसरा जो वन है उसपे भी सेम जीन होगा जो टू पे जीन होगा फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम नंबर टू है ठीक है ये क्रोमोसोम नंबर टू है टू पे यहाँ पे जो जीन होगा अगर

क्या पढ़ रहे हैं बच्चों क्या अदर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर एट ए सर्टन पॉइंट क्या होता है देखें ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है ठीक है ये मैंने एक क्रोमोसोम बना लिया जिसके दो क्रोमेटिड हैं ये एक क्रोमेटिड ये और ये एक क्रोमेटिड सॉरी ये बन गए ठीक है अब ये जो दूसरा क्रोमोसोम है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की बात कर रहे हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या करते हैं कि सर्टेन पॉइंट पे एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं अटैचमेंट कर लेते हैं ये एक क्रोमोसोम ये यहां से ये बच्चों कियाज मेटा बन गया कियाज मेटा कैसे बन गया कि ये जो ये एक ये देखें ये क्रोमेट एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये और एक ये क्रोमेटेड मतलब ये पूरा एक ही क्रोमेटेड है ये क्रोमेटेड ये हो गया और एक क्रोमेटेड हो गया ये क्या करते हैं कि the non -sister of the homologous जो एक जैसे क्रोमोसोम हैं यानी दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं क्या है यानी इन्होंने अभी सेगमेंट एक्सचेंज नहीं किए बल्कि सिर्फ क्या हुआ एक ज्वाइनिंग की इन्होंने.

ब्लैक वाले का सेगमेंट आ जाएगा ये देखें यहाँ पे ये रेड बना लिया इसके अंदर जो पोर्शन है हमारे पास आफ्टर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे आप समझ लें कि जो सेगमेंट आ गया कौन सा आ गया ब्लैक वाले का ठीक है और यहां पे भी इस जगह पे जो ये क्या मेटा के दौरान अटैच हुए तो ये ये भी पोर्शन कौन सा गया? आ गया ब्लैक पोर्शन आ गया ठीक है यानी दूसरे क्रोमोसोम का आ गया और जो ब्लैक क्रोमोसोम हम बना रहे हैं यहाँ पे ठीक है ये मैं थोड़ा दूर करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये जो ब्लैक क्रोमोसोम है ये हमने बना लेते हैं इस तरह करके इसके अंदर जो पोर्शन आ जाएगा वो किसका आ जाएगा बच्चों रेड यानी दूसरे क्रोमोसोम का इन्होंने आपस में सेगमेंट का क्या कर लिया एक्सचेंज कर लिया सेगमेंट को क्या कर लिया एक्सचेंज कर लिया यानी इस क्रोमोसोम ने अपना सेगमेंट इस दूसरे को दे दिया रेड वाले ने ब्लैक को दे दिया और ब्लैक वाले ने रेड क्रोमोसोम को अपना ये ब्लैक सेगमेंट यानी अपने जीन कुछ एक्सचेंज कर लिए ये जीन का एक्सचेंज है दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर

टेट्रेड ठीक है एंड द नॉन सिस्टर ये बेटा क्या चीज है एक ये क्रोमेटेड और दूसरे का जो है ये नॉन सिस्टर है जो नॉन सिस्टर है ये अपने सर्टन लेंथ पे अपने आप को, को क्या कर लेते हैं अटैच कर लेते हैं ठीक है और फिर क्या मेटा के बाद ये अपने मेटीरियल को सेगमेंट को क्या कर लेते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं दैट इज नोन एज अगर आपका कोई क्वेश्चन होंडरेज करना है ठीक है तो दैट इज नोन एज हम क्या कहेंगे क्रॉसिंग ओवर दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर अच्छा ये नीचे जब आप आएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये आपको ना ये क्रोमोसोम का एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर नजर आ रहा है ठीक है इसमें ये जो क्रोमोसोम है जिस तरह मैंने आपको बताया नॉन सिस्टर नॉन सिस्टर यानी एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड ये आपस पे डिफरेंट सेगमेंट में क्या कर रहे हैं जो अटैच uh, कर रहे हैं दैट इज नोन एज कियाज्मेटा इसको हम क्या कहेंगे कियाज्मेटा और जो मेटा के बाद फिर ये जो मटेरियल इन्होंने क्या कर दिया बच्चों एक्सचेंज कर लिया ठीक है यानी इसका मटेरियल देखें पे ब्लू मटेरियल आ गया और ये जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम था इसका जिस तरह मैंने आपको पहले रेड और ब्लैक बताया सेम वही चीज बता रहा है लेकिन बुक के मुताबिक भी हम चलते जाएंगे ठीक है अच्छा नेक्स्ट जो बात कर रहा है आगे, आगे आप जाएंगे और वो देखेंगे क्याज मेटा क्रॉसिंग ओवर जब कंप्लीट हो गई ठीक है तो ये आगे बहुत सेम उसी तरह का प्रोसेस होगा हमने तो प्रो फेज में पढ़ा था लेकिन यहाँ पे समझाना तो मेरे लिए जरूरी बनता है ठीक है है यानी जब होते हैं ये आपने देखना बच्चों हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये हमने यहाँ पे बात करते हैं कि इस जब ये क्रॉसिंग ओवर हो गई यानी जो रेड है इसके अंदर ब्लैक के अंदर ब्ले, रेड कलर का मटेरियल आ गया ब्लैक के अंदर बच्चे क्या आ गया रेड कलर का मटेरियल आ गया और जो रेड है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं जो रेड क्रोमोसोम है इसके अंदर कौन सा आ गया ब्लैक कलर का मटेरियल आ गया ठीक है यानी जेनेटिक मटेरियल आ गया तो इसकी वजह से कह रहा है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसमें क्या आ रही है रिकम्बिनेशन आ रही है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन रिकम्बिनेशन ऑफ ट तो कर दिया लेकिन ये अभी सेपरेट नहीं होते एक दूसरे के साथ अटैच ही रहते हैं क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं लेकिन जो बायोलेंट है वो करीब करीब ही रहता है ठीक है और क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर एंड न्यूक्लियोलाई अब आपने जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बताता हूँ अब देखें जब सेल के अंदर ना ये हम बात कर रहे हैं ये एक जो सेल है ठीक है इसके अंदर जब प्रोफेज है जो कंप्लीट हुआ ठीक है तो ये जो है ना इसके अंदर ये न्यूक्लियस था ठीक है ये सारे का सारा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है अब जब ये क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है ना ये जो न्यूक्लियस है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है यहाँ पे क्या चीज है न्यूक्लियस और न्यूक्लियर लाई ये क्या हो जाता है डिसपियर यानी खत्म होता है ठीक है न्यूक्लियर इनवेल डिस होता है और सेंट्रियोल देखें जब हमने माइटोसिस पढ़े थे ना माइटोसिस का प्रोफेस तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल है यानी क्या चीज है ये एक माइक्रोटिब्यूल का जो ट्रिपलेट होता है नाइन ट्रिपलेट और और जो दो दो है दैट इज कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम हमने वहां पे पढ़ा था कि जो थाल है ईच सेंट्रियोल यानी हर सेंट्रियोल ये वाला सेंट्रियोल ये भी डुप्लीकेट करेगा और जो दूसरा सेंट्रियोल है वो भी डुप्लीकेट करेगा और दो डॉटर सेंट्रोसोम बन जाएंगे दो हमारे पास डॉटर सेंट्रोसोम बन जाएंगे लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है यहाँ पे ये सही बता रहा है डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेजोम अब जिस टाइम पे माइटोसिस का सॉरी माइटोसिस प्रोफेस होता है स्टार्ट स्टार्ट के बाद जब ये एंड पे आने लगता है तो ये न्यूक्लियर डिवेलप क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और एक सेंट्रोसोम कहाँ पे आ गया बेटा

टो कोर ऑफ क्रोमोसोम जो फाइबर है वो कोर के साथ अटैच होगा ड्यूरिंग ये मैटाफेज और ड्यूरिंग ये मैटाफेज और यहां पे देखे हैं बच्चो द कानेटो कोर स्पिडल फाइबर अटैच विद द कानेटो कोर ऑफ क्रोमोसोम जो जो ये देखें ये जो स्पिंडल फाइबर है ना ये स्पिंडल फाइबर ये मैं नीचे करके बता रहा हूँ आपको एक स्पिंडल फाइबर ये कानेटोकोर के साथ आके अटैच हो रहा है क्रोमोसोम के कानेटोकोर के साथ और दूसरा बी कानेटोकोर के साथ अटैच हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे काइनाटोकोर स्पिंडल फाइबर कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर

और जो कानेटो कोर है वो कौन सा है जो क्रोमोसोम के ये जो ब्लैक कलर का डॉट सा नजर आ रहा है ये कोर है ठीक है ये कानेटोकोर स्पिंडल फाइबर है और ये कानेटोकोर स्पिंडल फाइबर है ठीक है द टू कानेटोकोर स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट अटैच विद ये बहुत इंपॉर्टेंट है अटैच विद पेयर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में क्या होता था यहां पे पेयर नहीं होता था बल्कि सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम अटैच होता था यहां पे कितने पेयर क्रोमोसोम के इसी वजह से जब एनाफेज होगा तो एनाफेज में पूरे का पूरा एक क्रोमोसोम एक साइड पे चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है हाफ हो जाता है फर्क ही यहां पे बच्चों फर्क कहाँ पे यानी ये जो प्रोफेज वन और जो प्रो फेज ऑफ माइटोसिस तो दो दो आके होते हैं मेटा फेज में या प्रो फेज में दो क्रोमोसोम लेकिन जो माइटोसिस का होता है या मियोसिस टू का जो हमारे पास प्रोसेस होगा उसमें एक एक क्रोमोसोम अटैच होगा उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम आके अटैच होता है ठीक है तो इसके बाद कह रहे है, टू द इन माइटोसिस वी हैव सीन स्पिंडल फाइबर अटैच विद वन क्रोमोसोम तो ये बच्चों हमारे पास एक प्रोफेज का प्रोसेस था इसकी मैं जल्दी से समझी पूरी रिपीट कर देता हूँ ठीक है फिर आपका कोई भी क्वेश्चन वो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास क्या था कि साइनेपिस कहते हैं साइनेप्सिस के बाद बेटा आपने याद रखना है कि हर पेयर के अंदर आ, मतलब दो क्रोमोसोम है जैसे बाईवैलेंट कहते हैं बाईवैलेंट के बाद आपने टेटरेट की बात करनी है यानी चार क्रोमेट्रेड है टेट्रेट कहते हैं टेटरेट के बाद ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कर लेते हैं जैसे क्या कहते हैं क्या मैटा यहाँ पे भी ये मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं अटैच करते हैं और फिर जो क्रॉसिंग ओवर करते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ओवर फिर आपने बताना है न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है डिसअपियर होता है सेंट्रोसोम मूव टू वर्ड अपोजिट पोल स्पिंडल फाइबर टेक प्लेस स्पिंडल फाइबर बनते हैं बच्चों और इसके बाद आफ्टर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के बाद क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं ठीक है पेयर ऑफ क्रोमोसोम अटैच होते हैं आर स्पिंडल फाइबर पे और इसमें ये कॉनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है और ये क्या है नॉन कॉनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ठीक है तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था प्रोफेस वन ठीक है